सबसे ज्यादा दोस्तों हमको ना विराट का टोपी टोपी अच्छा पसंद आया है, लग रहा जूते पे इसका ध्यान है। दोस्तों हम चीकू को लाए हैं उधर से, जो जो से बारिश हो रही है। चीकू ये जो खेल रही है गाली गाली। हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। और दोस्तों कल बहुत ज़्यादा पानी पड़े थे, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ आप सभी को, बहुत ज़्यादा बारिश हुए थे। और अभी हम लोग देख सकते हैं अभी ठंडी बढ़ गया है, तो हम लोग आग सेक रहे हैं। ये बोरसी बोलते हैं वो लिए हुए हैं गुड़िया जी, और विराट को और चीकू को सेक रहे हैं। तो हम लोग विराट को देखे, हाँ चाट रहा है विराट। हाय करो, हाय करो विराट जी। चीकू को देख रही, देख सकते हैं आग कितना ज़्यादा खदके हुए हैं। लाइट ऐसे होता है तो और ज़्यादा देखिए, और इसकी सेकाई होगी। अब विराट खेल रहा है और इससे अभी गुड़िया जी तेल मालिश करेंगे। उठ जाओ तेल मालिश हो गए। अच्छा लग रहा है विराट, विराट अच्छा लग रहा है? और तेल मालिश करवाओगे? मुझे तो धुआं लग रहा है, जमाइन का धुआं। अच्छा सुगंध है, इतने सारे सुगंध इतना अच्छा लगता है, सुगंध बहुत अच्छा लगता है ना गुड़िया जी। धुआं भी लग रहा है। अभी विराट को तेल मालिश कर दिए और इधर देखिए मोजा भी पहना दिए विराट को और पैजामा भी। अरे विराट तुम्हें अच्छा लगा विराट? हाँ इधर देखो, इधर विराट। और अभी से ना स्वेटर भी पहना देंगे तो और अच्छा लगेगा विराट, और काजल भी लगा देंगे तो विराट बहुत ज्यादा। और यहाँ चाटते रहता है विराट ना जी? बहुत ज्यादा हाथ चाट, हाथ नहीं चाटना है जी। इधर देखो काजल लगाइए, काजल लगाइए इसे, और पैतावा पहना दिए। हाँ चलिए पैतावा देखिए, बॉस की तरह दिख रहा है। तो अभी काजल लगाएंगे और बाल भी झाड़ दीजिए, ठीक है ना? बाल भी झाड़ दीजिए, पहले पाउडर लगा लेते हैं। रुको रुको, हम लगाते हैं बंदौरी बना लेते हैं विराट को, बंदौरी बना। अब वो वाला क्या गुड़िया जी, भुतला गया जो लगाने वाला होता है ये? बहुत हल्ला कर चीकू के लिए लिए थे वो वाला। ऐसे हाथ से लगाते हैं तो अच्छा, हाथ से लगाते हैं तो अच्छा नहीं रहता, वो मुलायम सा रहता है ना रुई टाइप पे, उससे बहुत बढ़िया से लग भी जाता है। ज्यादा काजल नहीं लगाएगा, ठीक है? ज्यादा काजल नहीं लगाना है विराट को, ज्यादा नहीं लगाएगा विराट। समझ रहा है। वो देख लिया है ना? देख लिया। काजल लगा दिए, देखिए कैसे किस तरह से कर लिया, छितरा लेता है ना। अभी तो जैकेट भी पहना दीजिए, बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है ऐसे। विराट को तेल लगा दिए और उसके बाद देखिए किस तरह से सो गया। इधर चीकू है जो खेल रही क्या गाली हाँ। गाली उधर चल रहा है हाँ। गाड़ी बोलते हैं बेटा, पीछे गाड़ी चल रहा है हाँ। और इस तुम सॉक्स नहीं पहनोगे? इसका सॉक्स है ना जी, नहीं तो नया ही लेना पड़ेगा, आज ले देंगे। दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं और विराट है जो कि सो गया है, और चीकू है बाहर ठंडा में चली गई है। उसे मना करते हैं दोस्तों कि मत जाओ खेलने के लिए, बट वो रोने लगती है। अभी बाहर में चली गई है और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी जाते हैं उसको पकड़ करके लाते हैं, उसे भी फ्रेश करना है। अभी दोस्तों हम चीकू को लाए हैं उधर से, खेलने चली गई थी और दांत कैसे निकाल रही है। और दोस्तों आज का मौसम देख सकते हैं कितना ज़्यादा ख़राब है, और देखिए हमारा किचन है जो कि बच ही गया है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या किचन साफ किए हाँ। देखिए इधर में वो दागे सा लग गया है, पानी बारिश हुआ था तो, और इसमें भी पानी बहुत ज़्यादा चुए थे, बट ये बच गया है। ये दीवार है जो कि बच गया ना गुरु जी, ये इसमें तो छत पर से तो पानी चुने लगा, ये झोपड़ी में यहाँ से चुने लगा था। और दोस्तों अभी हम जाने वाले थे मार्केट गुड़िया चीकू के लिए ये जैकेट लाने के लिए, और साथ में चप्पल चप्पल भी, तो गुड़िया जी नहीं जा पाएंगे क्योंकि इतने ज़्यादा ठंडे हैं ना, हम किसी तरह से चले जाएंगे, विराट को नहीं ले जा पाएंगे ना। आप लोग की भी आप लोग के भी तरफ बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रही होंगे या बहुत ज़्यादा ठंडी
किराए होंगे, तो भी हम चलते हैं। दोस्तों मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और गुड़िया उधर कपड़े को सरिया रहे हैं क्योंकि बारिश होने वाली है अभी शायद। देखिए गुड़िया जी सूखा भी नहीं है ना, और अभी उतार दे रहे हैं कपड़े को। दोस्तों बादल गरज रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा, डर लग रहे हैं गुड़िया जी ने। और हम जाने वाले मार्केट तो अभी शायद हम नहीं जा पाए, बाद में जाएंगे ना। अभी दोस्तों चीकू के पापा जी मार्केट जाने के लिए बोल रहे थे और अभी पानी भरने लगे। चीकू दरवाजे खोल, पानी हो रहे हैं, देखिए पानी होने लगा, पानी होने लगा है। आओ सभी को दिखा देते हैं बैक के, तो ये देखिए पानी होने लगा, भरने लगा पानी। विराट के पापा जी अभी बोल रहे थे मार्केट जाने के लिए पर नहीं जा पाए, पता ना बारिश कब छूटती है तो जाएंगे, और शाम हो जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, कल ही जाएंगे। तो देखिए कितना जोर जोर से बारिश होने लगी। चीकू चलो तुम अंदर चलो, चलो तब तक हम लोग आग को सेकते हैं। बोरसी में फिर से आग सुलगा लिए थे और बैठकर हम लोग की तरह कितना जोर जोर से बारिश हो रहे हैं और पानी में बहुत ज़्यादा कनकन है, छू रहे हैं तो दम लगता है कि बर्फ़ को छू रहे हैं। और अभी चीकू के पापा जी बोल रहे थे मार्केट जाने के लिए, अगर जाते तो उधर ही टूर कर आते हैं और बहुत ज़्यादा उनको ठंड भी लग जाते हैं। खैर कहिए कि नहीं गए, नहीं तो उधर ही बारिश नहीं फेंका जाते हैं। देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रही है, आप लोग की तरफ बारिश हो रही है या नहीं आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग की तरफ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे हैं, जोर की बारिश हो रही है। और हम लोग ना अभी सेक रहे हैं यहाँ पे, देखिए आग, हाँ। और विराट है जो कि सोया हुआ है, और बारिश उधर दिखा दी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी भी आवाज़ कर रहे होंगे और हम लोग छेकाए हुए हैं। हम लोग अकेले कैसे रहते हैं आज, बहुत कल तो रात में हुआ था और आज दिन में हो रहा है। रात में तो सो जाते तो कोई टेंशन ही नहीं रहता ना गुड़िया, और दिन में हो रहे हैं। दोस्तों बारिश होना बंद हो गया और विराट और गुड़िया जी सो, तो हम निकल चुके हैं रोड पे। और यहाँ से दोस्तों 2.5 किलोमीटर दूर है जो कि लोकल मार्केट, उसके बाद भी एक मार्केट आता है दोस्तों वो 10 किलोमीटर है, वहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा बाज़ार है, तो वहाँ पे अभी नहीं जाएंगे, लोकल मार्केट ही जाएंगे क्योंकि ठंड बढ़ रही है ना, तो विराट उराट के लिए कुछ लेना है और सामान भी लेना है, तो वो जा रहा हूँ लेने के लिए। बारिश भी दोस्तों धीमी धीमी बारिश भी हो रही है और अभी कोई ऑटो नहीं चल रहे हैं तो पैदल ही जा रहे हैं अभी। दोस्तों आप लोग यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए किस तरह का लोकेशन है, तो ये देख लीजिए, ये ग्राउंड सा बना हुआ है और ताड़कोल का देखिए कितना सारा पेड़ है ये देखिए, और यहाँ पे अभी एक तालाब खतार है। और चलते हैं अभी फटाफट से, हमें पहुँचने हैं उसके बाद आने भी हैं, नहीं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश भी होने लगेंगे तो हम तो भीग जाएंगे बारिश में ना, इसलिए जल्दी से जाना है, उसके बाद फिर तुरंत जल्दी से लौट करके चले भी आना है, फिर उसके बाद खाना भी बनाना है, तो अभी बारिश छुट्टी है तो उसके बाद जा। बाजार पहुँच चुके हैं और देखिए यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गया है, तो मैं यहाँ पर देखिए अभी छिपा हुआ हूँ, जैसे ही बारिश ख़त्म होंगे सामान लेंगे उसके बाद चले जाएंगे घर। और पैदल आए हैं दोस्तों, तो पैदल आए हैं और देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रही है, अब पता ना कब बारिश छूटेंगे तब हम कब जाएँगे। पूर्व की बारिश हो रही है दोस्तों और देखते हैं कब छूटेगी तो कब हम जाए, तो बारिश करीब करीब छूट गई है और हम आ चुके हैं चीकू के लिए जैकेट लेने और विराट के लिए। तो अभी दोस्तों हम मार्केट से निकल चुके हैं और अभी दोस्तों हम गांव पहुंचने वाले ही हैं, और इसमें जो लेना था वो ले लिए हैं, तो क्या क्या लिए हैं दोस्तों आप सभी को पता चल जाएगा, और वहां पर हम ब्लॉग नहीं बना पाए तो अभी चलता हूं घर, घर जाकर आप सभी से फिर मिलते हैं। और बारिश भी रुक गई है अभी, तो चलिए अभी घर, तो हम आ चुके हैं घर और यहाँ पर देखिए चीकू और गुड़िया जी यहाँ चावल चुन रहे हैं, खाना बन रहा है नहीं। दोस्तों आते ही चीकू देखिए यहाँ पर झोला ले रही है हमसे, थैला इसमें कुछ जरूर लाए होंगे खाने के लिए और सामान भी लाए होंगे, भारी है तुमसे टंगाएगा क्या क्या है, टांग ली चीकू। गंदा हो जाएगा गिर जाएगा तो दोस्तों अभी हम मार्केट से आए हैं कुछ देर पहले, हो रहा है 15-20 मिनट और लाइट कट गई है, और गुड़िया जी संझौत दिखा रहे हैं और विराट को हम लिए, रो रहा है बहुत ज़्यादा विराट। अभी दोस्तों मॉर्निंग का समय हो चुका है और दोस्तों रात में ना हम लोग आप सभी को नहीं दिखा पाए कि क्या क्या मार्केट से खरीद कर लाए, तो सबसे पहले इसको देख लीजिए विराट को, ये टोपी पहने हुए तो ये लाए हैं, तो आप लोग बताइए कमेंट में कि कैसा टोपी लाए हैं, और भी सामान है जो कि चीकू के लिए फिर विराट के लिए लाए हैं, तो आप सभी को दिखाएंगे गुड़िया जी कि क्या क्या लाए हैं, तो चीकू दिखा रही है सबसे पहले,
ये अपना जूता दिखा रही है चीकू, अपना जूता दिखा, दिखाओ निकाल कर, निकाल कर दिखाओ, निकाल कर दिखाओ, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी चीकू दिखाने के लिए, आइस करके दिखाओ, ये खुश हो, दिखा रही खुद चीकू अनबॉक्सिंग कर रही है खुश होकर के, तो देख सकते कितना ज्यादा खुश है चीकू। और विराट का देख लीजिए टोपी कितना अच्छा है, ये तो शाम में ही ओपनिंग कर दिया था ये, हाँ शाम में ही पहना दी थी इसे, और मतलब अच्छा है, हाँ, है गुड़िया, हाँ, अच्छा है। और देखने में कैसा लग रहा है विराट, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दिखाइए गुड़िया जी निकाल करके आप क्या क्या सामान लाए हैं। तो ये है दोस्तों गुड़िया जी के लिए टोपी, तो गुड़िया जी के लिए टोपी है, तो आप लोग बताइए कि कैसा है। और चीकू के लिए भी लाए हैं टोपी। फिर दोस्तों आप सभी को ना इसका दाम भी बताएंगे कितना पड़ा है। और ये विराट के लिए है, अरे चीकू, ये विराट के लिए है दोस्तों, क्योंकि विराट का एक जैकेट था फिर भी हम ले लिए कि नहीं एक और जैकेट ले लेता हूँ ताकि अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों हम कुछ भी खरीदते हैं तो मार्केट से हम ठगा जाते हैं, क्योंकि जो लोग मांगते हैं ना वो हम सिंपल तरीके से दे देते हैं, क्योंकि उनका भी व्यापार है ना, इस चलते हम सोच करके दे देते हैं। और कितना पड़ा विराट का स्वेटर का? ये पड़ा है 250, 250 का है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विराट का 250 का अच्छा है या नहीं। और टोपी पड़ा है 60 रुपये का। और भी है, चीकू का जूता पड़ा है 100 रुपये का सॉक्स लगा करके। और दिखाइए क्या क्या, चीकू बहुत ज्यादा खुश है चीकू के लिए, चीकू के लिए जैकेट, तो चीकू के लिए जैकेट, ऐसा जैकेट ये है तो उतना अच्छा नहीं है, बट ये है जो कि इसमें गर्म भी नहीं है और इसमें दोस्तों हवा भी नहीं जाते, तो ये चीकू के लिए अच्छा ही रहेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा है। और ये जैकेट कितना का पड़ा? जैकेट पड़ा है वो 350, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा 350 में कैसा पड़ा है। और इसके क्वालिटी तो दिखाइए गुड़िया जी, दो तरफ से पहनने वाला है, दोनों तरफ से है, खोल कर दिखाए, दिखाइए खोल करके, ये है ना, हाँ, इधर से भी पहन सकते हैं, हाँ उधर से भी। ये चीकू के लिए, चीकू को पहना करके दिखाओ कैसा लग रही है, दिखाओ दिखाओ, देखो देखो चीकू, देखो देखो पहन करके खुश है, पहन रही है, बहुत ज्यादा खुश है चीकू, आज चीकू के लिए लाए हैं बहुत ज्यादा, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो ऐसे मतलब सिचुएशन को देखते हुए करना पड़ता है ना। और अभी बहुत ज्यादा ठंडी गिरने लगे, तो हम कल पानी में बारिश में भीगते हुए पहना कर दिखाइए ना, उसको छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा दोस्तों हमको ना विराट का टोपी पसंद आया है सबसे, ये देखिए, और इस पे सेट भी कर रहे हैं गुड़िया जी, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है हमको विराट, क्या हुआ सेंटा क्लोज जैसा दिख रहा है विराट। और चीकू अपने से खुद से जैकेट पहन रही है, बहुत ज्यादा पहनाओ पहनाओ गुड़िया जी, पहनाइए पुराना वाला जैकेट चीकू खोल दी है, फिर नया वाला पहन रही है, देखिएगा आप लोग कैसी दिख रही है चीकू इस जैकेट में। चीकू को जैकेट पहना दी है और देखिए किस तरह का दिख रही है चीकू, अभी बाल भी नहीं जा रही है, बाल भी नहीं, बहुत पहनने के लिए जूते पीस कर दिया बहुत ज्यादा आ रही है, जब छोटा थी तो लिए थे जूता तो छोटा हो गया है, तो छोटा हो ही है तो लाते काहेला सुनते विराट को बन जाता न। गुड़िया जी के लिए कुछ लाए हैं हम अपने लिए, और गुड़िया जी के लिए बस एक टोपी लाए हैं, बस वही लाए हैं बस। फिर गुड़िया जी चीकू का बाल मना रहे हैं, तो देखिए तो चीकू उतर गई है पहन कर जूता, आ जाओ देखते हैं कैसे लगती हो तुम बाहर। अभी दोस्तों चीकू बाहर आ गई है, बहुत खुश है यार, जितना ज़्यादा कि कुछ कहेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हो, आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों कल हम गए थे बारिश में भींग कर लाने के लिए चीकू के लिए जैकेट और विराट के लिए, तो और टोपी भी लाए हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ी है इसलिए, और किसी तरह से एडजस्ट किए, बहुत लोग हमारे यूट्यूब फैमिली वो बोलवो किए थे,
कि सुनील भाई आप चीकू का भी ध्यान रखिए, विराट का भी, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो थैंक यू आप सभी को जो इतना अपने फैमिली की तरह हमें समझते हैं और हमें मतलब सुझाव देते हैं, थैंक यू आप सभी को दिल से धन्यवाद। और कल हम भींगते किसी भी तरह से गए और जैकेट लिए हैं चीकू के लिए और विराट के लिए, और जूता जो कि अभी चीकू जूते में घूमेगी तो ज़्यादा ठंड नहीं लगेंगे। और विराट को तो मैं ऐसे बिस्तर पर लिया हुआ रहता हूँ, तो आज जो कि बारिश है वो नहीं हो रही है, धूप निकली हुई है, धूप निकली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग ना आप सभी को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरा एक न्यू चैनल है जो गुड़िया जी के लिए है, उस चैनल को भी जा करके सब्सक्राइब कीजिएगा, जिस चैनल का नाम है दोस्तों सुनील गुड़िया ब्लॉग्स, उस चैनल को भी जा करके सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर जा करके वीडियो देखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा उस पर भी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और हमसे कोई गलती या मिस्टेक हो गया होगा तो हमें कृपया छोटा भाई समझ करके माफ़ कीजिएगा ना गुड़िया। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।